हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नाना टेक्निकल चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यामा की MT125cc जो हाल ही में लॉन्च होने वाली है 2024 में। आप इसको इसका डिजाइन देख सकते हैं। इसका डिजाइन जो बनाया गया है वो मॉडर्न और एग्रेसिव बनाया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है, लोगों को स्पोर्टी भी नज़र आ रहा है। इसकी इंजन की बात करें, 125cc का इसमें इंजन VVA इंजन देखने को मिलेगा इसमें आपको। और इसके टॉर्क और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको डिलीवर करता है आउट स्टैंडिंग टॉप एंड परफॉर्मेंस टॉर्क रेंज के हिसाब से, जो काफ़ी बेटर है। और इसमें आपको बोल्ड ट्विन आई फेस विथ अल्ट्रा कॉम्पैक्ट सिंगल LED हेडलाइट देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा लाइट का थ्रू प्रोवाइड करता है। इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा है। और आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा 5 इंच का TFT डिस्प्ले, जो कलर में आएगा, और विथ आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, कॉल, इसमें सब इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इसमें। और इसका जो डेल्टा बॉक्स फ्रेम है वो स्पोर्टी बनाया गया, जो एल्युमिनियम स्विंग आर्म का है, जो काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको वाइड 140 सेक्शन के आपको टायर मिलेंगे, जो रियर टायर बताया गया है, जो काफ़ी बेटर है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको देखने मिलेगा, जो आपको बाइक टर्न करने के टाइम काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, इसमें फ्रंट सस्पेंशन आपको अपसाइड डाउन फ्रॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बेहतर है। और इसमें आपको रेडियल माउंट कैलिपर के 282mm फ्रंट डिस्क देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको इस बाइक में टोटल 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी 2024 में ये बाइक आने वाली है। सो फ्रेंड्स, कितने लोग इस बाइक को लेने के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यामा कंपनी इसी साल इस बाइक को लॉन्च करने वाली है 2024 में। सो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।